हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो जीटी वाई सिटी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं जीटी वाई सिटी का एक और नया मिशन। तो आज का मिशन का नाम है नो एस्केप। तो आज हम इस मिशन में करने क्या वाले, आज हम करने वाले एक जेल से कैदी को रिहा। तो बात करते हैं इस सिचुएशन की। तो अभी हम आ चुके हैं केन के पास। ओके, यहाँ पे केन से हमें मिलना पड़ेगा। तो फाइनली हमें केन यहाँ पे मिल चुका है और इसने कुछ तो भी माल फूका है, तो हमें दिख चुका है वो माल फूकते वक्त। तो कोई बात नहीं, अभी हमें एक नकाशा दिखा रहा है जो कि मिनी बार का है। तो इसकी इसके साथ बातचीत करने से हमें पता चलेगा कि अगले मिशन में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यही उस कैदी को जानता है, यही उसकी हमें जानकारी देने वाला है। तो अभी हमें मैप का नकाशा दिखा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं, हमें उस मैप को अगले मिशन में करना पड़ेगा। जो भी अगला मिशन हमें मिलेगा वो केन हमें देगा। तो फाइनली अभी बात करते हैं इसी मिशन की। तो इस मिशन में हमें करना है एक जेल से कैदी को रिहा करना है। तो फाइनली अभी इनकी यही बातचीत चालू है। तो चलो जल्दी से, उस बंदे का नाम है जोनस, जिसे हमें जेल से रिहा करना है। अभी वो पुलिस की कस्टडी में है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उस कैदी को रिहा करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से, मैं अभी आ चुका हूँ बार के बाहर। अभी यहाँ से गाड़ी उठा दे, गाड़ी उठाने के बाद सीधा जाएंगे पुलिस स्टेशन में। तो यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे सुपर कार उठा लेते, सुपर कार उठाने के बाद जाएंगे सीधा पुलिस स्टेशन में। तो चलो जल्दी से, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सीधा जाता हूँ पुलिस स्टेशन के रास्ते पर। पुलिस स्टेशन के रास्ते पर जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पुलिस की वर्दी है उसे पहनना पड़ेगा। उसी पुलिस स्टेशन में उसकी वर्दी रखी होगी, उसी को हमें पहन के पुलिस को चकमा देके उस कैदी को वहाँ से रिहा करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन में। मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से गाड़ी लगा देता हूँ, क्योंकि कॉप्स हमारे पीछे पड़ गए तो हमें ज़्यादा भागने में मुश्किल नहीं होगी, इसलिए मैं मेरे हिसाब से गाड़ी लगा देता हूँ। फाइनली मैं आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस अपना आउटफिट चेंज करना है। आउटफिट चेंज करने के बाद हम बन जाएंगे पुलिस, और कोई किसी कॉप्स के ऊपर हमें शक नहीं होगा और उनको भी हमारे ऊपर शक नहीं होगा। तो चलो जल्दी से, फाइनली मैं आ चुका हूँ पुलिस की वर्दी पहन के। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो लॉकअप है जिसमें वो कैदी है जोनस, उसका हमें कोड ढूंढना पड़ेगा। तो मैं सीधा जाता हूँ ऊपर के माले पे। यहाँ पे फाइनली हमें वो कोड भी मिल चुका है। अभी इस कोड को हमें डाल के उस जोनस को हमें रिहा करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ बेसमेंट में, जहाँ पे उनके सब लॉकअप है, उस लॉकअप में से हमें जोनस को रिहा करना पड़ेगा। तो फाइनली हम आ चुके उसी लॉकअप के पास। यहाँ पर राइट मारने के बाद हमें पिंक सर्कल मिल चुका है। इस पिंक सर्कल में जाने के बाद हमें वो कोड डालना पड़ेगा जो कि हमें ऊपर मिला था। उस कोड को डालने के बाद जोनस आएगा बाहर। फाइनली मैं उस पिंक सर्कल में आ चुका और मैं यहाँ पे एक कोड डाल देता हूँ। फाइनली हमारे सामने है जोनस, इसको हमें लेके सीधा जाना पड़ेगा उसके लोकेशन पे। फाइनली यहाँ पे उसकी बातचीत चालू है। अभी हमें उसको एक मिशन में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अगले मिशन में, इसलिए हमें उसको रिहा करना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली अभी बात करते हैं इस सिचुएशन की। तो हमारे ऊपर फट चुके हैं 3 FIR, काफ़ी सारे कॉप्स हमें मारने के पीछे तादाद में लग चुके हैं। तो चलो जल्दी से, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। हमारी जो गाड़ी वो भी बदल चुकी है, मगर कोई बात नहीं है, इसी गाड़ी में से हम जल्दी से जल्दी कॉप्स को चकमा देंगे। चकमा कैसे देंगे आपको आगे बताता हूँ। फाइनली यहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी इस पुलिस स्टेशन के जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो फाइनली मैं कॉप्स के पीछे छोड़ दिया, और काफ़ी मगर जो आगे वाली कॉप्स की गाड़ी उसने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से टक्कर दे दी, और हमारी गाड़ी 2-4 बार घूम चुकी है। मगर कोई बात नहीं, फिर से गाड़ी पर कंट्रोल पा लेता हूँ। और मेरे गाड़ी के एक टायर फटा है, इसलिए मेरा कंट्रोल नहीं है गाड़ी पे। जैसे तैसे गाड़ी को हैंडल कर लिया हो, मगर कोई बात नहीं, अभी हमें गाड़ी की आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। वो कैसे बदलेंगे, हमें जाना पड़ेगा एक शटर में। शटर में जाने के बाद आप अपनी गाड़ी बदल चुकी होगी, काफ़ी गाड़ी का मॉडल भी बदल चुका होगा, गाड़ी की नंबर प्लेट बदल चुकी होगी, फुल जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग आएगी। तो चलो जल्दी से, अभी हमें एक शटर ढूंढना पड़ेगा। जैसे तैसे करके पतली गली से मैं वो शटर ढूंढ लेता हूँ। इस पतली गली से निकलने के बाद राइट मारने के बाद वही शटर है, और हमारी गाड़ी ब्लास्ट होने के कगार पे है। मगर कोई बात नहीं, फाइनली यहाँ पे एक क्लास टक्कर मारने के बाद गाड़ी में आग लग चुकी है, मगर कोई फ़ायदा नहीं है, हमें फाइनली वो शटर मिल चुका है। और हमारी गाड़ी की आइडेंटिटी जो है वो सब बदल चुकी है, हमारी गाड़ी पीले कलर की हो चुकी है। और हम फिर से आगे जाने के बाद, रुक जाओ, फिर से हमारे पीछे कॉप्स गिर गए भाई, ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं है। फिर से हमें जाना पड़ेगा शटर में, गाड़ी की फिर से आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। आइडेंटिटी बदलने के बाद हमें जोनस को उसके लोकेशन पे छोड़ना पड़ेगा। तो यही था आज का मिशन। ये आप देख सकते हो, मेरी फिर से आइडेंटिटी बदल चुकी है, मेरी नहीं गाड़ी की आइडेंटिटी बदल चुकी है। हमें फिर से जोनस को उसके लोकेशन पे छोड़ना पड़ेगा। लोकेशन पे छोड़ने के बाद हमारा मिशन हो पाएगा कंप्लीट, और हमें जोनस के अगले मिशन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलो जल्दी से, यही था आज का मिशन। मैं मिलता हूँ किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रिज को पार करने के बाद सीधा जाना पड़ेगा जोनस की लोकेशन के पास। लोकेशन के पास जाने के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। फाइनली हम उसके पास, उसकी लोकेशन के पास आ चुके, और यहाँ पे हमने फाइनली जोनस को ड्रॉप कर दिया है। तो मैं मिलता हूँ किसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।